फ्रेंड्स, माय नेम इज़ श्रेय मंजूर। www.itbhasha.com की जाने से मैं एक बेहतरीन कोर्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि मतलब ना csc.google.com पर काम करते हैं, लेकिन उनको या तो अच्छा CPC नहीं मिलता, ठीक है, और उससे पैसे किस तरह से करने किस तरह से नहीं करने, या अगर वो सेल्फ क्लिकिंग खुद ही करते हैं तो वो मतलब या तो अपना अकाउंट बंद करवा बैठते हैं, मतलब कोई ना कोई उनका मसला आ जाता है, ठीक है। तो उस हवाले से मैंने एक ये कोर्स है, 12 पार्ट्स के हैं, तकरीबन ये 15 पार्ट्स तक चलेगा। तो ये मैंने एक कोर्स है, इसमें मैं ना CSC का तकरीबन A to Z तक हर चीज़ उसकी बताऊंगा, उससे अर्निंग करके भी दिखाऊंगा और अर्निंग बैंक से निकलवा कर भी बताऊंगा, क्योंकि इससे मैं खुद काम कर रहा हूँ। तो डेली के मतलब कि ना जितना अगर बंदा काम कर सकता है तो 1,000 से $5,000 ईजीली डेली के बंदा बना सकता है, क्योंकि जो CSE पर जो जिसको काम करना सही से आता है वो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मैं खुद इसी पर CSE पर लास्ट टू मंथ से काम कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही बेहतर है अगर खुद क्लिकिंग करें सही तरीके से की जाए काम, क्योंकि कुछ लोग अगर CSE पर काम करते हैं तो वो उनकी यही शिकायत होती है कि अगर वो उसके अंदर $600 बनाते हैं तो जब अर्निंग करंट में आती है तो $600 से मतलब कि $100 या $150 बाकी बच जाती है, बाकी सारी वो इनवैलिड में चली जाती है। तो दोस्तों, इस कोर्स में अगर मतलब कि आप जब इसमें हम काम करेंगे तो इसमें आप देखेंगे हमारी जो अर्निंग है वो करंट में आती है, करंट में आएगी तो पूरी की पूरी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो $1 काट लेंगे। और इसी कोर्स में मैं आपको मतलब कि $100 से $1,000 एक अकाउंट में तकरीबन 15 से 20 मिनट में करके भी दिखाऊंगा। तो इस कोर्स जो मैंने सारा रखा हुआ है, इसके कुछ चार्जेस हैं, $25 का ये मैं सेल करूंगा। जिस दोस्त ने भी ये कोर्स अगर लेना हो तो वो मतलब कि इसका मैं एंड पर लिंक भी दूंगा, तो उस लिंक के थ्रू वो मुझसे रब्ता कर सकता है। तो हम उसको ये कोर्स अगर वो ऑनलाइन लेना चाहता है तो उसको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अगर वो DVD मंगवाना चाहता है तो हम TCS से उसको DVD भी भेज देंगे इस कोर्स की। तो ये इसके पहले पार्ट में इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको करवा दूँगे, मतलब इस कोर्स में हमने करना क्या है। तो सबसे पहले तो CSE के बारे में मैं अगले पार्ट में आपको बताऊँगा कि CSE होता क्या है, ठीक है। ये भी मतलब कि गूगल की ही एक, जैसे आप कह सकते हैं, उसकी शाख है, इससे हम अर्निंग कर सकते हैं। ये एक कस्टम सर्च इंजन होता है जिससे हम अर्निंग करते हैं। लोगों को ये सही तरह से यूज़ करना नहीं आता, जिसकी वजह से वो इसको समझते ही बेकार है, लेकिन आजकल के दौर में ये बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो उसके बाद यूट्यूब का एडसेंस मैक्सिमम सबको पता है कि इजीली 2 घंटों में अप्रूव्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इस पर तकरीबन 3-4 मिनट्स लगा कर ना एक यूट्यूब गाइडसन से अप्रूव करवाएंगे जीमेल पर। उसके बाद जो होता है, अगर आपके पास यूट्यूब का, अगर हम एडसेंस लेते हैं हम तो यूट्यूब पर काम करेंगे, अगर यूट्यूब का आपके पास है उस पर भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास नॉन होस्टेड है तो उसको भी आप मतलब कि ना वो CSE से कनेक्ट करके ना उस पर भी काम कर सकते हैं, दोनों में फ़र्क कोई नहीं है। तो उसके बाद चौथे पार्ट में हम आएंगे मेक CSE एंड अटैच इट टू योर ब्लॉगर अकाउंट। अच्छा, हम CSE का वो एक कस्टम सर्च इंजन बनाएंगे, तो उसको बनाने के बाद हम ब्लॉगर की इसमें ज़रूरत पड़ती है, तो ब्लॉगर के पर अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर एक ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग पर वो CSE को जो है ना हम अटैच कर देंगे, तो उसी पर हम सारा काम करेंगे, उससे हम व्यूज़ जो वगैरह लेने होते हैं वो इजीली हम ले सकते हैं। तो क्लिकिंग भी सारी ब्लॉगर पर ही होगी करेंगे हम। इसके बाद मैं अगले 5वें पार्ट्स में आऊँगा, तो इसमें है
हाउ टू चूज़ बेस्ट एंड फ्री वीपीएन फॉर योर क्लिकिंग। तो इसमें दोस्तों जो सारा मेन काम होता है वो ये वीपीएन का ही होता है। वीपीएन के बगैर सब कुछ बेकार है। इसके अलावा मैंने पहले भी काम करता रहा हूँ, तो मैं डेली के तकरीबन 15 से 20 एडसेंस में 30 से 40 डॉलर एक एक अकाउंट में करता हूँ, या 100 100 कर लेता हूँ, 200 100 कर लेता हूँ, जितना मूड होता है उतना कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये एक मेरा अकाउंट है, मैंने कुछ 3 4 लॉगिन किए थे। तो ये वो अकाउंट है जिनकी अर्निंग सबसे कम है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं 100 से कम डॉलर बनाऊँ, क्योंकि जो 100 से कम होते हैं वो एक तो मतलब कि जब करंट में आते हैं। ठीक है, मैं आपको वो भी स्क्रीन शॉट अपने दिखाऊंगा, बल्कि आपको एडसेंस लॉग इन करके दिखाऊंगा जिनके अंदर मैंने डॉलर्स किए और वो करंट में भी मतलब कि पूरे के पूरे आए, कोई उनमें कटिंग नहीं हुई, कोई एक दो अकाउंट नहीं है, तकरीबन काफ़ी सारे अकाउंट मेरे। ठीक है, कोई होते हैं आपकी गलती होती है जिसकी वजह से वो 5 7 डॉलर कट कर लेते हैं, या अगर उसके अंदर आपका वीपीएन ठीक नहीं था तो, या आपने सही तरह से काम नहीं किया, तो वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कट कर लेते हैं। अब ये 62 डॉलर्स हैं, इनका फ़ायदा ये है कि ये आप करंट में आएंगे तो मैं अपनी पेमेंट कैंसिल कर दूंगा। अगर पेमेंट जब कैंसिल करूंगा तो मुझे 2 घंटों में भी मिल सकती है, और 2 दिन से 5 दिन के अंदर मैक्सिमम मुझे पेमेंट मिल जाती है, और पेमेंट मैं वेस्ट यूनियन के थ्रू पाकिस्तान से निकलवा सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से अब ये एक मेरा है अकाउंट, इसके अंदर मैंने 69 डॉलर बनाए, इसमें 62 थे, इसमें 69। अब आप देखें, 63 मैंने क्लिक किए और 69 डॉलर मैंने बनाए। ठीक है, अब लोग सवाल करते हैं कि भाई CSE पर मतलब कि मैक्सिमम हमें वो CPC मिलता ही गंदा है। ठीक है, वो हाफ डॉलर भी नहीं हमें CPC मिलता, तो ज़्यादा कहते हैं कि उनको वो मतलब कि ना 10 सेंट वो मिलता है, तो उस पर क्लिक करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। अब जो जो CPC मुझे मिला हुआ है तकरीबन ये 1.25 डॉलर, 1.3050 या इससे ऊपर का है CPC। 63 क्लिक किए और 69 डॉलर हुए हैं। ये एक अकाउंट है। इसके बाद मैं अगर आता हूँ तो यहाँ पर एक है, अब आप देखें 92 क्लिक्स की मैंने, 102 डॉलर हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है काम, बस आप अगर आप सही तरीके से करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। इसी तरह से ये एक अकाउंट है 102 डॉलर, तो ये एक है, इसमें 41 क्लिक्स की हैं, 46, मतलब जितने भी अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ तो सारों में यही हाल है, मतलब कि CPC वगैरह जो मेन रीज़न होती है सब अच्छा मिलता है। इसके अलावा हम CTR जो होता है, CTR जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है, उसको भी हम कंट्रोल में रख सकते हैं, आपका कोई अकाउंट बंद नहीं होगा। तकरीबन मैं 2 3 महीनों से काम कर रहा हूँ, तो मेरे एक दो ही अकाउंट बंद हुए थे, वो भी मतलब कि मेरे ना लॉगिन करने की 2 3 IP से मैंने लॉगिन किया अकाउंट को, तो वो जिसकी वजह से मेरे बंद हो गए। ये अब एक अकाउंट है, इसके अंदर 46 डॉलर्स हैं। तो YouTube अकाउंट का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको इजीली पाकिस्तान में रहते हुए मतलब कि ना वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इन गूगल की सर्विस कुछ तेज़ है पिन के हवाले से। वो आपको पाकिस्तान के अंदर आपका जो पिन होता है वो 12 डेज़ में पहुँचा देते हैं। मेरे पास मैक्सिमम 12 से 14 डेज़ में पिन आ जाता है। तो ये एक अकाउंट है, इसके अंदर 45 किए हैं। ठीक है, 62 किए हैं। तो इस तरह से मतलब कि ना ये कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि जो क्लिकिंग करनी है वो VPN से करनी है, कौन सा VPN बेस्ट है, कैसे उसको लेना है, उसका ट्रायल वर्जन लेना है या उसको परचेज़ करना है, कैसे करना है, वो सारा हम इसी में देखेंगे। तो आगे 6 पार्ट्स में हम देखेंगे, तो मतलब कि हाउ टू चूज़ बेस्ट कीवर्ड्स फॉर बेस्ट CPC अबाउट, अच्छा मतलब कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे जो हम सेलेक्ट करें जिसकी वजह से हमें CPC भी अच्छा मिले। तो एक क्लिक करें तकरीबन हमें 1.5 से 2.5 डॉलर उसका मिले एक क्लिक करने का। ठीक है, ये मैं इस पार्ट में आपको बताऊंगा। तो इसमें एक CSE में मुश्किल जो होती है कि उसमें व्यूज़ देने होते हैं, क्योंकि अगर आप व्यूज़ नहीं देंगे तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है, क्योंकि उसके CTR बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको ब्रोकर के थ्रू ना इजीली व्यूज़ देना आपको सिखाऊंगा। उसके बाद हाउ टू मेक मनी 100 to 1000 डॉलर इन योर एडसेंस अकाउंट। तो इस जो सबसे मेन हमारा जो पार्ट है वो ये वाला है, सारा काम तो हम करेंगे ही, इसमें हम काम करेंगे और मैं आपको 100 से 1000 डॉलर लाइव इसमें करके दिखाऊंगा।
और इंशाल्लाह वो सारे के सारे करंट में भी लेकर आऊँगा, ठीक है। क्योंकि 1,000 तक वैसे मैं इजीली कर सकता हूँ, इससे आगे करूँगा तो वैसे ही मैं खुद थक जाऊँगा, ठीक है। थोड़ा खा लो चंगा खा लो, वही मिसाल है। तो 100 से 1,000 डॉलर्स मैं आपको कर के दिखाऊँगा। 1,000 डॉलर का आपको पता है 1,00,000 रुपया बनता है। अगर कट भी करेंगे ना हमारे इनवैलिड में, तो 100 से ज़्यादा वो कट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से काम करना है मुझे नहीं लगता कि वो कट करेंगे। आप डेली का अगर मतलब कि स्टूडेंट नहीं है या स्टूडेंट भी हैं फ्री हैं, आपको और काम ही नहीं है, तो आप डेली का 5,000 डॉलर तक भी बना सकते हैं इजीली, ठीक है। अब बात ये है कि इतना ये कोर्स है तो मैं डेली का 5,000 डॉलर भी बना सकते हैं, तो सारे इसी में आपको करके दिखाऊंगा। इसके अलावा ये इसकी मैंने फ़ी 2,500 रुपये रखी हुई है, क्योंकि होते हैं ऐसे लोग जो मतलब कि उनके पास कोई नॉलेज आ जाती है या कोई ट्रिक्स आ जाती हैं या कोई वर्क करने का उनको तरीका होता है, वो लोगों को बताते नहीं हैं। वो कहते हैं कि अगर उनको बता दिया कोई मतलब सारे पैसा कमाना शुरू कर देंगे ये वो। तो मेरा ऐसा कोई जहन नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कि ये फ़ी हमने 2,500 रुपये इसकी पर कोर्स की रखी हुई है। इसमें तो मैंने अभी 12 पार्ट्स बनाई हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा तो कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जो कि मेरे जहन में अभी नहीं आ रहे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलूँगा तो वो पार्ट्स मैं इसी कोर्स के अंदर ऐड करता जाऊँगा। तो उसके बाद हम हाउ टू प्रोटेक्ट जो रेडसन्स फ्रॉम इनवैलिड एक्टिविटीज, जो इनवैलिड की वजह से हमारी अर्निंग कट कर लेते हैं, तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप उनसे किस तरह से बच सकते हैं। वो सारी टिप्स आपको मैं इसी में बताऊँगा। तो उसके बाद हम एक अकाउंट को हाउ टू कैंसिल, एक पेमेंट कैंसिल करेंगे जो $100 से कम होगी, क्योंकि अगर $100 से ज़्यादा हो वो पेमेंट गूगल हमें 21 तारीख को या 22 तारीख को सेंड कर देता है पाकिस्तान में, ठीक है। अगर $100 से कम होती है तो वो आप किसी भी वक्त अपना अकाउंट कैंसिल कर देते हैं, तो वो पेमेंट आपको ना 2 घंटों से लेकर 5 दिनों में, 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर वो आपको पेमेंट सेंड कर देता है, ठीक है। उसके बाद आप अपना अकाउंट दोबारा रीएक्टिवेट कर लें, अकाउंट भी आपका चलता रहेगा और पेमेंट भी आपको मिल जाएगी। तो इसमें मैं आपको पेमेंट कैंसिल करके दिखाऊंगा एक अकाउंट की, और उसको हम हासिल मतलब कि ना पेमेंट निकलवाएंगे इस अकाउंट। अच्छा, उसके बाद हाउ टू गेट पेमेंट्स इन पाकिस्तान, हम मतलब कि आप वो पेमेंट जो होती है जो आपको गूगल चेक सेंड करेगा उसको आप पाकिस्तान में वेस्टर्न यूनियन और इसके अलावा किस बैंक में जाकर आप कैसे निकलवाएंगे, वो सारा प्रोसेस हम लास्ट पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों शुएब मंसूर को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगले इसके पार्ट 1 में, जो कि है व्हाट इज़ सीएसई।